विज्ञान और वैज्ञानिक कार्यों में सफलता असीमित या बड़े संसाधनों का प्रावधान करने से नहीं मिलती, बल्कि ये समस्याओं और उद्देश्यों को बुद्धिमानी और सतर्कता से चुनने से मिलती है। और सबसे बढ़कर जो चीज चाहिए वो है निरंतर कठोर परिश्रम और समर्पण। लाल बहादुर शास्त्री, क्या आपने कभी बिजली के बिना चलने वाला वाटर कूलर देखा है, मानव सांस पर चलने वाली व्हीलचेयर, गियर वाली परिवर्तित साइकिल रिक्शा, जलथल में चलने वाली साइकिल, पैर से चलने वाली कपड़े धोने की मशीन, नारियल के पेड़ पर चढ़ने की मशीन, फोल्डिंग सीट वाला सूटकेस, मोबाइल फोन से जुड़ा कार लॉकिंग सिस्टम? हैरान कर देने वाले इन और इनके जैसे कई अन्य नवीन उत्पादों का आविष्कार इंजीनियरिंग छात्रों ने, सरकारी रिसर्च सेंटर्स के वैज्ञानिकों ने या किसी कंपनी ने नहीं किया है, बल्कि ये कर दिखाया है साधारण आदमी जैसे किसान, मैकेनिक और स्कूल के छात्रों ने। ऐसे कमाल के आविष्कारों को दुनिया के सामने लाने के लिए जरूरत होती है सिर्फ थोड़े से सहारे की, थोड़े से सहयोग की, थोड़े से अनुबंधन की, थोड़ी सी वित्तीय सहायता की। पिछले कई वर्षों से नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया यानी राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत ने ऐसे कई तृणमूल यानी जमीनी स्तर के ग्रास रूट आइडियाज को खोजकर, उन्हें तराशकर दुनिया के सामने पेश किया है। मगर केवल विचार से कुछ नहीं होता, उस विचार को बेहतर बनाना पड़ता है, उसका सही डिजाइन बनाना पड़ता है, कड़ी टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके कई सैंपल बनाने पड़ते हैं। इतना कठिन परिश्रम करने के बाद ही एक अच्छे कमर्शियल प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जा सकता है। इसी मिशन पर बरसों से NIF बड़ी मेहनत से लगा हुआ है और इसके परिणामों ने सारे विश्व को चकित कर दिया है। एक सोच कितना कुछ बदल सकती है, NIF का काम इसकी एक अनोखी मिसाल है। NIF इंडिया यानी राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त शासी संस्था है। नए आविष्कार करने वालों की तलाश करना, योजनाबद्ध तरीके से उनके काम के दस्तावेज तैयार करना, नव प्रवर्तक के विचार को बेहतर बनाना, उसके बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा करना और नए आविष्कारों की बहुमूल्यता बढ़ाने का अनूठा काम ये अनोखी संस्था कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद शहर में फरवरी 2000 में NIF की स्थापना हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का ये स्वायत्त शासी संस्थान देश भर से तृणमूल नवाचारकों एवं रचनात्मक स्कूली विद्यार्थियों के प्रौद्योगिकीय नवाचारों को खोजता है उनके उद्भवन के लिए। आज NIF के पास तृणमूल तकनीकी आविष्कारों और पारंपरिक ज्ञान का ऐसा भंडार है जो पूरे विश्व में अपने प्रकार का सबसे बड़ा डेटाबेस है। इस डेटाबेस में देश के लगभग 600 जिलों से 2,25,000 से अधिक तकनीकी विचार, नवाचार और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान के उदाहरण शामिल हैं। भारत को नव प्रवर्तनशील बनाना और राष्ट्र के विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान का मूल्य संवर्धन करना NIF का विजन है। संस्था का मिशन है भारत को मौलिक और सृजनशील बनने में सहयोग करना, ताकि देश वहनीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में विश्व अग्रणी बन सके और प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले तृणमूल आविष्कार सामाजिक और आर्थिक बाधाओं के बिना सही मानों में पनप सके। नवाचारकों द्वारा NIF को प्रस्तुत किए गए नवाचार सिर्फ उनके ज्ञान और प्रयास का ही फल होने चाहिए, अर्थात उन्होंने अपने आविष्कार के लिए किसी से भी तकनीकी सलाह अथवा व्यावसायिक समर्थन ना लिया हो। सभी योग्य नवाचारकों की ओर से NIF उनके नवीन आविष्कारों की सुरक्षा के लिए उन्हें पेटेंट भी करवाता है उनके ही नाम से। इतना ही नहीं, बौद्धिक संपदा उल्लंघन के मामलों में लड़ने के लिए कानूनी सहायता भी प्रदान करता है।
इन आविष्कारों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी NIF कार्य करता है। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को बढ़ावा देने के लिए NIF द्वारा एक वार्षिक राष्ट्रीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। 17 वर्ष तक की आयु के कक्षा 12वीं तक में पढ़ने वाले या स्कूल में न पढ़ने वाले बच्चे इस प्रतियोगिता में अपने मूल तकनीकी विचारों को सम्मिलित कर भाग ले सकते हैं। चुने गए छात्रों के आइडिया और आविष्कार को न केवल पुरस्कृत किया जाता है बल्कि पेटेंट करवाने के लिए भी आगे भेजा जाता है। इतना ही नहीं, उनके आइडिया के मॉडल भी बनाए जाते हैं। साल 2000 में अपनी स्थापना के बाद से NIF ने एक लंबा सफर तय किया है। अब तक 844 तृणमूल नवाचारकों, स्कूली छात्रों और समुदायों को उनके आविष्कारों अथवा उत्कृष्ट ज्ञान के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कार समारोहों में NIF ने सम्मानित किया है। NIF के 5 प्रमुख कार्य हैं: खोज और प्रलेखन, मूल्य संवर्धन और अनुसंधान एवं विकास, व्यवसाय विकास, बौद्धिक संपदा प्रबंधन और सामाजिक प्रसार एवं प्रचार। NIF में दर्ज किए गए नवाचारों को जांचा परखा जाता है। ये नया विचार तकनीकी, सामाजिक अथवा आर्थिक रूप से व्यावहारिक है या नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। किसानों, कारीगरों, टेक्नीशियंस और स्कूली छात्रों द्वारा विकसित की गई तृणमूल टेक्नोलॉजी का संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा विश्लेषण भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त NIF कई रिसर्च संस्थाओं और अन्य प्रमुख भारतीय संस्थानों से संपर्क भी करता है ताकि उनकी विशिष्ट निपुणता और ज्ञान का लाभ पूरे समाज को मिल सके। किसी तृणमूल आविष्कार को व्यापक बाजार में रखने के लिए अगर कोई कंपनी आगे आती है तो उसे लाइसेंस दिलवाकर तृणमूल प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम भी NIF करता है। इसके अलावा तृणमूल नवाचारकों को अपने नवाचार पर आधारित उद्योग शुरू करने के लिए भी हर प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। नव प्रवर्तकों को मार्केट रिसर्च, प्रोटोटाइप विकास और पायलट उत्पादन करने के लिए भी पूरा सहयोग दिया जाता है। आमतौर पर एकदम नए नवाचार के व्यापीकरण के लिए आर्थिक निवेश शुरू शुरू में मिलना बहुत मुश्किल होता है। देखा जाए तो ऐसे नए तृणमूल आइडिया को बाजार में लाने में आर्थिक जोखिम होता है, पर बिना आर्थिक सहायता के एक अच्छा विचार सिर्फ विचार बनकर ही रह जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए NIF ने SIDBI की सहायता से एक रिस्क फंड MVIF शुरू किया, जिसके तहत ऐसे विचारों को बाजार में आजमाने के लिए या उनके व्यवसायीकरण के लिए नवाचारकों को जोखिम राशि उपलब्ध कराई जाती है। सामाजिक रूप से तकनीकों के व्यापक प्रसार के लिए 2012 में ग्रास रूट्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक्विजिशन फंड प्रचालित किया गया। इसके अंतर्गत नव प्रवर्तक को एक मुश्त राशि देकर उपयोगी तृणमूल प्रौद्योगिकियों के अधिकार प्राप्त करने के लिए और फिर सामाजिक लाभ के लिए उसे कम कीमत पर या बिना कोई कीमत लिए देश भर के अन्य नव प्रवर्तकों, फैब्रिकेटरों, किसानों या उद्यमियों के बीच प्रसारित करने का कार्य किया जाता है। विभिन्न टेक्नोलॉजीज के लिए तकरीबन 650 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के लिए पूछताछ 97 देशों ने की है। NIF ने बड़ी सफलता से भारत के तृणमूल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के देशों में पहुंचाकर ग्रास रूट टू ग्लोबल G2G मॉडल को स्थापित किया है। एक उद्देश्य ये रहता है कि हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे तैयार करें कि जो देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी मार्केट के अनुकूल हो। हम एक मॉडल जो G2G, जिसको ग्रास रूट टू ग्लोबल भी कहते हैं, उसको सिद्ध करने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक हमने उसको कर भी लिया।
आज बहुत सारी तकनीकी ऐसी हैं जो अफ्रीका के मार्केट में, एशिया के अलग अलग देशों के मार्केट में और अमेरिका के भी मार्केट में, दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में हमारी टेक्नोलॉजी है, पेरू में हमारी टेक्नोलॉजी है, जिनका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में छोटे और बड़े उद्यमियों के साथ में हम देश के हर कोने कोने तक इन प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके अधिक से अधिक टिकाऊ विकल्प देने में भारतीय नवाचारकों का कोई जोड़ नहीं है। NIF द्वारा प्रचारित G2G मॉडल तृणमूल नवाचारों को देखने का दुनिया का नजरिया ही बदल देगा। Innovation be really inclusive, that it addresses all segments of society, because to succeed, nations will have to focus on innovation. We already cooperate for more than 10 years, you know, with NIF. So it's a learning process, because I keep coming here. And also our students, our faculty, keep visiting NIF. And the people here also come to us. You know, we jointly organize several very big events. So through this kind of activity, the people around us, they understand the value of this grassroots innovation. I think National Innovation Foundation is making a very good effort in order to foster science, technology and innovation within all the population of India. Rashtrapati Bhavan mein Navachar Pradarshani. आम लोगों की रचनात्मकता दर्शाने के लिए 2010 से हर साल राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन के निकट नवाचारों की एक प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। 2015 से NIF राष्ट्रपति भवन के सहयोग से वहां एक नवाचार का उत्सव मनाता है, जिसका एक हिस्सा ये प्रदर्शनी है। 2018 से ये उत्सव नवाचार और उद्यमिता उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। 2019 में यह उत्सव NIF के गांधीनगर परिसर में आयोजित किया गया। इस उत्सव के तहत नवाचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर उच्च स्तर की मीटिंग्स भी होती हैं। NIF एक ऐसा मंच है जिसने इनोवेटर्स के अनगिनत सपनों को साकार किया है। इतना ही नहीं, समाज को मूल्यवान और किफायती टेक्नोलॉजी दिलवाने में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है NIF ने। Hi, I'm Mo Sabong, the inventor of Bam Hum, a new wind musical instrument. And I'm so grateful to National Innovation Foundation for giving me this platform to come here at the National Festival where the Bam Hum is displayed to the world, and also giving me the opportunity to get the national award. So thank you very much, NIF. NIF ne ye siddh kar dikhaya hai ki jahan bhi srijanatmak dhang se samasyaon ko hal karne ki baat aati hai, वहां भारतीय नव प्रवर्तक दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इज डूइंग एन एग्जेम्पलरी जॉब। दे आर प्रमोटिंग, सर्चिंग ऑल दोज पीपल ऑल ओवर द कंट्री, वेदर दे लिव इन द अर्बन एरियाज, सबर्बन एरियाज और इन द ट्राइबल एरियाज और इन द विलेजेस, हु हैव converted their bright ideas into new innovations, which will certainly help in the development of technologies, and those technologies can help alleviate the sufferings of the people. It's a great organization where they have collected more than 2 lakh innovations of different nature, and they showcase them at number of forums, and then they also take them to the Rashtrapati Bhavan, where the innovators are honored by the President of India himself. I think National Innovation Foundation is playing a great role in supporting science, scientific research, scientific innovations, and also in helping solve the problems of the country, and also in helping create employment and improving economic growth.